इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक वेलकम टू न्यूयॉर्क है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, दिलजीत दोसांझ, करण जौहर, बामिनी रानी, लाल दत्ता, रितेश देशमुख, सुशांत सिंह राजपूत और राम दगुबती प्रमुख भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सुपरस्टार सलमान खान भी गेस्ट अपीयरेंस में है, जहां इस फिल्म को कई मशहूर हस्तियों सहित क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहीं अब देखते हैं कि मुंबई की ऑडियंस ने क्या कहा। इतनी खास नहीं है कुछ भी, सिर्फ कास्ट है और आईफा के दौरान ही शूट की गई है। लाइक एकदम बोरिंग, सुपर बोरिंग। इतने सारी स्टार कास्ट, सोनाक्षी, इतने सारी दिलजीत, आपका क्या सब वेस्ट हुआ है? सब वेस्ट है, लाइक कुछ एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं। म्यूजिक पसंद नहीं है? म्यूजिक है, थोड़ा लाइक देखने लायक है। स्क्रिप्ट अच्छी है, पर कभी कभार एक्टिंग की वजह से वो डायलॉग्स ऐसे आ नहीं सकते, पर है, मतलब अगर वन टाइम वॉच किसी को कुछ करने को नहीं होगा तो देख सकते हैं। इतनी सारी स्टार कास्ट, आपको लगता है वेस्ट हुई है? हाँ, पर मोस्टली स्टार कास्ट जो है वो सिर्फ आईफा के फुटेज से है, तो ज़्यादा लोग नहीं हैं एक्चुअली मूवी में। और जो दिलजीत दोसांझ है, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, फिल्म अच्छी एंटरटेनिंग है। करण जौहर डिड अ गुड रोल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज गुड। आशू भंगनानी जैसे बड़े मेकर ऐसी घटिया फिल्म बनाए, मतलब वो समझ के बाहर है। एक ये फिल्म आईफा अवार्ड को पूरी तरह से बदनाम करती है, पूरा पिक्चर का प्रीमाइज आईफा के ऊपर है, और आईफा का जो सत्यानाश किया सब आर्टिस्टों मिल के, उसका कोई दो शब्द नहीं मेरे बारे में। करण जौहर जैसा एक्टर लगता है आपको, लोग उसे सिंगल रोल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सामने डबल रोल काम किया हुआ है। सोनाक्षी एक्टिंग जीरो, दिलजीत पता नहीं फिल्म में क्या कर रहे हैं, डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस, ऑल जीरो, आई विल जीरो रेटिंग। ऐसा कुछ खास है नहीं फिल्म में कि आप यू नो उसके लिए दोबारा जाओगे शायद, इट्स अ वन टाइम वॉच जो आप एंजॉय कर सकते हो दिलजीत और सोनाक्षी की केमिस्ट्री के लिए। अब देखते हैं कि इन सभी ने फिल्म को कितने स्टार्स दिए। 1 2 4 एंड अ हाफ प्रोबेबली 3 स्टार्स 3 एंड अ हाफ 2.5 स्टार 2 एंड अ हाफ। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन चाकरी तोलेटी द्वारा किया गया है। ऑनेस्ट रिपोर्ट।